बंकर गाइस फाइनली इतनी देर बाद आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। सो वेलकम टू माय चैनल स्वस्ति व्लॉग्स। सो होप यू गाइस हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ व्लॉग अपना स्टार्ट करने के लिए। एज यू नो कि अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। सो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी सुबह, तो वो 1 o'clock या 2 o'clock एंड होती है, तो उसके बाद थोड़ा टाइम बीता गया, तो अभी 5 o'clock हो चुके हैं। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। सो स्टे ट्यून गाइस, आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। सो आज हम बहुत जगह जाएंगे, सो आपको व्लॉग में भी दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं भी बाहर वाले रूम में आ चुकी हूँ, ये देखो मेरा पीछे टैडी क्यूटी सा। सो ये मेरा फेवरेट टैडी है, रात को सोते टाइम मेरे साथ रहता है। सो ये देखो अंकुश को कुछ भी हो रहा है, पिछली वीडियो में देखा ही होगा, इसको कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरी वीडियो में होता है हर बार, इसको ऐसे नहीं होता, मीन्स ऐसे नॉर्मल रहता है। सिर्फ जब मेरे आसपास आता है ना, तब ऐसे करना होता है इसको। देख लो, देखो पापा भी यहीं पे हैं। मम्मा कुछ बना रही है। मम्मा क्या बना रही हो आप? हम बना रहे हैं दाल। दाल? दाल। तो दाल चावल बनेंगे आज हमारे घर। अंकुश बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। डिस्क्लोज मत करियो प्लीज, हिंटी दियो। गाइस हम जा रहे हैं बाहर। मैं इसी हिंट का वेट कर रही थी, बट बेस्ट था हिंट, थगलाई वाले चश्मे आ जी तेरे ऊपर। ये तो हम बाहर जा रहे हैं, तो और कहाँ जा रहे हैं? बाहर ही जाएंगे, फिर ही जाएंगे कहीं। सो अभी आई डोंट थिंक सो यू नो, बट मम्मा का भी एक यूट्यूब पे चैनल है, मम्मा का तड़का, मम्मा मम्मी का तड़का है ना, वो वाले नाम से चैनल है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब हर चैनल टू। सो उसमें मम्मा सारी रेसिपीज की वीडियो डालती रहती हैं, टाइम टाइम जब टाइम मिलता है मम्मा रेसिपीज की भी शेयर करती है वीडियो। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड डू लाइक एंड लाइक हर वीडियो। सो मम्मा मैं बहुत बोर हो रही हूँ अभी। अंकुश टीवी पे दिखाई देती हूँ, टीवी पे क्या लगती है? देखो ये महाराज क्या इंजॉय कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये देखो एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, क्या बोलते हैं उसको, कैसे स्पेल करते हैं बताइयो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, हाँ देख लो। तो गाइस मैं अभी अपना फोन चला रही थी, तो रैंडमली जैसे एक कोई ना एक वीडियो हुई नीचे डाउन, सो उसमें मैंने देखा, तो उसमें क्या था कि उसमें दिखा रखा था कि जो पर्सन मीन जो पीपल अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं उनको एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो एक बार अपने आप को मीन्स हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए कि हम लेफ्ट हैंड से, जो राइट हैंड से लिख सकते हैं वो लेफ्ट हैंड से ट्राई करके लिख सकते हैं, मीन्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि होता है हर कोई किसी में टैलेंट होता है। तो मैंने सोचा एकदम से मेरे माइंड को फ्लिकर किया कि मेरे को भी करना चाहिए एक बार ट्राई। सो एक बार ट्राई करके देखते हैं अपने लेफ्ट हैंड से लिख के। मैं पहले एक राइट हैंड से एक बार एक सेंटेंस लिखूंगी, देन आई विल कॉपी इट विद माय लेफ्ट हैंड। लेट्स ट्राई इट गाइस। ये देखो मैंने अभी राइट हैंड से लिखा है, अब मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड से कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये लेफ्ट हैंड है नोटबुक, इसको थोड़ा कैमरा नीचे करके उतारी दिखाई देती हूँ। मैंने आई लव लिख दिया, अब आगे मैं लिखना है। माए इतनी बुरी नहीं है, अच्छी आ रही है हैंडराइटिंग। पेरेंट्स लिखना है। ओह फूली पड़ी नोटबुक, काश लिख जाए। कैसे लिखूं? हाँ थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और हो गया। तो गाइस देखो ये मैंने राइट, ये ऊपर वाला राइट हैंड से लिखा है, ये वाला लेफ्ट हैंड से। सो इतना बुरा नहीं आया है, मेरे को तो मेरा अच्छा ही लग रहा है, लेफ्ट हैंड से भी मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है। वाह नाइस। चलो एक बार अंकुश के साथ ट्राई करके देखते हैं। अच्छा आउटकम आया, मेरे को लगा नहीं था कि मैं लेफ्ट हैंड से भी इतना अच्छा लिख पाऊंगी। हाँ कैपिटल लेटर्स में लेफ्ट हैंड से मेरा बहुत अच्छा जाता है, मीन्स आई एम वन ऑफ दोज एम्बिडेक्स्ट्रस, दोज हु आर कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। सो यही होता है ना, स्पेल करते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, यही होता है। सो आई कैन बी कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। लिखने के अलावा और कुछ मैं लेफ्ट हैंड से नहीं करती प्रेफर, क्योंकि राइट हैंड ही प्रेफर करती हूँ। अंकुश तू लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड से? देखो बता भी मैंने अंदर लेफ्ट हैंड से लिखा है पूरा वन नोट। तो क्या करूँ?
कितना गंदा है ये। मैंने एक तो किया इतना अच्छा, पता है कितना टाइम लग गया मेरे को, 15 मिनट्स तो लगेंगे। माँ आपको पता है, आपको पता है मैंने क्या कहते वो किया अभी ना, लेफ्ट हैंड से लिखा मैंने अंदर। अच्छा हाँ खुद लिखा लेफ्ट हैंड से। ये मान नहीं रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है ना। अभी दिखाती हूँ इसको, ये देखो इसको दिखा रही हूँ मैं, देख ले मेरी नोटबुक मैंने लिखा है, पढ़ के रख ले। What the hell is this? Hey, yeah, just get lost. It's so bad. यार भाई सारे ऐसे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं ये। You got a zero for this. मैंने इतनी मुश्किल से किया पता है? Yeah, I reject this. Why are you rejecting this? Am I here for audition? Because it is a bullshit. You know? Just get lost, okay? What is this? देखो कितनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मैंने ट्राई किया पता है? बहुत गंदा है ये। पापा इधर आओ, आपको पता है मैंने लेफ्ट हैंड से भी लिखने की कोशिश की। वेरी गुड, मैंने लिखा है अंदर। कहाँ? दिखाती हूँ रुको, ये देखो पढ़ के देखो, ये ऊपर वाला टेक्स्ट मैंने अपने आप मींस राइट हैंड से लिखा था, और ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट से लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मींस आई एम वन ऑफ दोस पीपल दैट कैन बी कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। ओके हाँ, मैं भी ये कोई बोल सकता है एम्बिडेक्स्ट्रस, क्योंकि मैं दोनों हैंड से कर सकती हूँ, मींस लिख सकती हूँ, और कोई काम नहीं कर सकती ज्यादातर, बस लिख तो सकती हूँ ये तो। गाइस मम्मा, हाँ जी मम्मा, क्या आप क्यों बुलाया था? ओ चावल लिया आपने डाल के। कितने? वन एंड हाफ। पापा और अंकुश रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, अभी जहाँ जाना है हमने। बहुत ठंड है। आप तो बिल्कुल पैक हो गए, तब भी आपको ठंड लग रही है। इतनी लेयर्स डाली है आपने, कितनी लेयर्स डाली है? अरे थ्री, वन जैकेट, ये एक इनर, थ्री लेयर्स होगी, थ्री लेयर्स होगी। इसमें भी ठंड लग रही है आपको? तो आप तो रेडी हो चुके हैं पूरे तरह से, बस मेरे को रेडी हो चावल ला देती हूँ। हाय लाइट ऑन करनी पड़ेगी, सॉरी रूम की लाइट ऑफ ही रहती है, ज्यादा आता नहीं है यहाँ पे। चलो चावल लेते हैं। पापा को तैयार कर रहा है, कह रहा वॉच भी डालो। तैयार नहीं कर रहा, वॉच लगा रहा हूँ, बंद कर इसे। गाइस वी आर ऑन आवर वे, सो पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं आपको सीधा वहीं पे। हम मार्केट आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। तो पापा कौन सी मार्केट आई है? सेक्टर 40 में बढ़ती है मार्केट। चलो फाइनली घर पहुँच चुके हैं, सभी स्टेयर्स चढ़ रही हूँ मैं, सो बस लॉक खोलेंगे अम्मा, फिर हम जाएंगे अंदर। खुल गया, चलो लेट्स गो इनसाइड। अच्छा रहा आज का दिन, बहुत एंजॉय किया। अब खाना खाना है, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, पेट फुल हो चुका है। मैंने वहाँ पे भर भर के गोल गप्पे खाए हैं, चाट खाई, टिक्की खाई, अब पेट फुल हो चुका है। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद ही खा पाऊंगी, कुछ खा पाऊंगी, तो अभी तो कुछ नहीं खा सकते भैया। अभी हमने कपड़े कुपड़े चेंज कर लिए हैं, सो अभी थोड़ा लेट हो गया, तो अभी हम लगे हैं सोने। सो मेरा व्लॉग यहीं पर एंड होता है, सो होप यू गाइज विल लाइक दिस व्लॉग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and do subscribe to my channel and stay tuned for my next vlog.